while you recite, I think Sanskrit. Then I really feel this language, Sanskrit. Sanskrit, I think almost the most advanced ancient language. In this country, it seems to say Sangya philosophy is the earliest of the philosophy. So certainly, it's in their language, Sanskrit language. And then Jainism, of course, Sanskrit language. Then Buddhism. One part of Buddhism is Pali language. Then another was the Buddhist tradition is Nalanda tradition. Nalanda tradition mainly use Sanskrit word, Sanskrit. So like the Nagarjuna and Arya Asanga, the Buddha Palita, all these is a Buddhist Nalanda scholar, all their writing in Sanskrit. So one of my teacher who knows Sanskrit very well, he once told me the style of like Nagarjuna's Madhyamika Mulakarika, the style, Sanskrit style, excellent, top scholar. And similarly, Dharmakirti's Paramananda Vaidika Karika, this the Sanskrit style, Sanskrit, he says, top, sorry, what's the quality, quality, like that. So this language, I think, since many ancient Indian thought express in this language. So this language, I feel something very sacred and wonderful. I learned Sanskrit, the Kalapa, Trakalapa. The first chapter, very complicated. But in Tibetan tradition, it's a five major, what's the science summary. Or subject, five major subject. Logic, Sanskrit, medicine, then the inner science. That's Buddha Dharma. So Sanskrit, one of the important subject we learn. So you recite in Sanskrit, I really very much move. यहाँ पर अभी जो अभिषेक चल रहा था उस समय आप लोग जो मंत्रों का जाप है संस्कृत भाषा में कर रहे थे, ये मुझे आपके मंत्र जाप सुन करके काफ़ी प्रसन्नता हुई और काफ़ी एक प्रकार से मुझे अपने में आनंद प्राप्त हुआ। तो जहाँ तक प्राचीन समय में सांख्य दर्शन से भी अगर आप देखें तो उस समय उनके जो प्रवचन या ग्रंथों की रचना संस्कृत भाषा में की गई थी। उसके बाद अन्य और भी बहुत सारे संस्कृत विद हुए हैं, अन्य अन्य परंपराओं संस्कृत में रचना की गई। भगवान बुद्ध के दर्शन में भी देखें तो एक पाली परंपरा और संस्कृत परंपरा
तो नालंदा परंपरा में ज़्यादातर जैसे आर्यदेव, नागार्जुन, बुद्धपालित इत्यादि विद्वानों ने जो अपनी रचनाएं की हैं वो संस्कृत में की हैं। तो उस तरह से ये जो भारतीय संस्कृत भाषा प्राचीन भारतीय भाषा है, आपके वेद भी उसी में हैं और बौद्ध धर्म के भी नालंदा परंपरा की भाषा भी उसमें संस्कृत में है। तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छी भाषा, गंभीर और प्राचीन भाषा है, ये भारतीय भाषा है। तो इसको विशेष तौर पर कि हमारे जो शास्त्र हैं उसमें उपयोग किया जाता है। मेरे भी शिक्षक थे तो वो भी, उन्होंने भी मुझे उस समय जब मैं पढ़ता था तो संस्कृत में एक प्रकार के पढ़ाने की हमें कोशिश भी की, मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इतने ज़्यादा भाषा जटिल होने के कारण और इतने विषय कठिन होने की वजह से उतना मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं हुई। लेकिन जब उसके शब्दों को जब सुनते हैं तो अपने आप में एक मनोरम भाषा है। तो ये जो आपकी व्यवस्था जो आपने पढ़ा, वाकई ये काबिले तारीफ़ है। बौद्ध दर्शन के अनुसार या जहाँ तक भारतीय परंपरा में भी कहें तो उस समय जो पांच जो प्रमुख विद्याएं, शब्द विद्या, चिकित्सा विद्या, फिर एक हमारी जो बौद्ध दर्शन विद्या, शल्य विद्या इत्यादि जो हमारी पांच जो बड़ी विद्याएं थीं, उनके ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में उपलब्ध हैं, पहले पढ़ते भी थे। उसके साथ साथ जो मनोविज्ञान, मनोविज्ञान चित्त और चैतसिक, वो भी संस्कृत भाषा में देखने को मिलते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ संस्कृत भाषा में उच्चारण किया, आपका इसके लिए या आपने विधिवत तरीके से इस परंपरा को, इस व्यवस्था को बनाए रखे है, ये मैं आपकी प्रशंसा करता हूँ, आपका अनुमोदन करता हूँ। इन दैट लैंग्वेज आई थिंक अर्लीस्ट फिलोसफी सांख्य फिलोसफी द मेन सॉर्ट ऑफ मैसेज इज अहिंसा करुणा। So, the message of Ahimsa, Karuna, is still today's world, 21st century. This message, Ahimsa and Karuna, is very relevant today's world. तो भारत की जो सबसे प्राचीन जो परंपरा सांख्य दर्शन की परंपरा रही, ऐसी इतिहासों से स्पष्ट है, उस समय भी अहिंसा करुणा का संदेश दिया जाता था और दिया भी गया था, हमारे आचार्यों के द्वारा दिया गया था, भारत में और अन्य जगह भी भली भांति फला फूला। तो प्राचीन जो सांख्य दर्शन की व्यवस्था, उन जो के प्रेम और करुणा का संदेश आज भी प्रासंगिक है, आज के समय में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना प्राचीन समय में था। बिकॉज ऑफ मैसेज ऑफ करुणा, अहिंसा, आई थिंक दिस कंट्री रिलीजियस टॉलरेंस इज रियली रियल एग्जाम्पल टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, रिलीजियस हार्मोनी पॉसिबल। और भारत के जो करुणा, मैत्री और अहिंसा का सिद्धांत आज भी प्रासंगिक है और ये दुनिया का एक उदाहरण है कि भारत एक धार्मिक सद्भाव, दूसरे परंपरा एक साथ रह करके एक साथ अभ्यास करते हैं, इस प्रकार का भारत एकमात्र उदाहरण है। सो यू टुडे इंडियन in modern time now, while you study modern education and with that technology, science, of course this, and economy, very important, but at the same time your own 1,000-year-old traditions of a subject, ahimsa, karuna, मस्ट प्रिजर्व। तो आज आप आधुनिक समय में जो आधुनिक विषय हैं, चाहे आप विज्ञान पढ़ते हों,
इकोनॉमिक्स पढ़ते हों, साइंस पढ़ते हों, जो भी पढ़ें बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो हजारों वर्ष अहिंसा प्रेम करुणा का जो संदेश है उसको आपको पढ़ना चाहिए, जरूर उसको जानना चाहिए। आई बिलीव रिलीजियस टॉलरेंस, आई थिंक इंडिया इज रियली गुड एग्जाम्पल, डिफरेंट रिलीजियस ट्रेडिशन कैन लिव टुगेदर एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल लर्निंग। जहाँ तक धार्मिक सद्भाव की बात करें तो भारत एकमात्र उदाहरण है जहाँ पर विभिन्न परंपराओं के लोग, संप्रदायों के लोग एक साथ रह करके अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। तो दुनिया के अन्य देशों को भी इस चीज़ को, इस सद्भाव को भारत से सीखना चाहिए। 7 billion human being, whether believer or non-believer, we are same human being. According Sanskrit, no, according scientist, basic human nature is more compassionate. So now, in education field, should include education about compassion and ahimsa. तो यहाँ तक आज के वैज्ञानिक लोग भी मानते हैं कि जो धार्मिक सद्भाव ये वाकई महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ हमारे जो करुणा और मैत्री अहिंसा का संदेश ये सर्वोपरि है, उसे सीखना चाहिए और हमारी आधुनिक शिक्षा प्रणाली में इन चीज़ों को भी हमें डालने की आवश्यकता है। जब भी हमारे जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको भी करुणा मैत्री अहिंसा को आप जरूर पढ़ाएं। These days, I always express from kindergarten level, we should include, besides hygiene of physical, we should include hygiene of emotion. From kindergarten level up to university level, how to keep our peace of mind. That's very important. तो आजकल मैं ये भी संदेश देता हूँ कि जिस प्रकार से हम अपने शरीर को चलाने के लिए, अर्थात जो भौतिक विकास की तरफ हम ध्यान देते हैं कि किस प्रकार से हम सुख सुविधाओं को भोगने के लिए हम एक प्रकार से अध्ययन करें, ज़्यादातर इस प्रकार का अध्ययन होता है। तो मैं जोर दे करके कहता हूँ कि जो हमारे किंडरगार्डन से लेकर के यूनिवर्सिटी तक, विश्वविद्यालय स्तर तक जो करुणा मैत्री के संदेश हैं वो देने चाहिए, जिससे कि हमारी जो मानसिक विकास हो सके। बाकी के अध्ययन से भौतिक विकास होता है, तो इस तरह के प्रेम करुणा मैत्री के अध्ययन से हमारा मानसिक विकास होगा, मन में सुख आएगा, समृद्धि आएगी। सो प्रिजर्वेशन ऑफ एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, अहिंसा करुणा, दिस नॉट ओनली योर ओन सोरो or should they, preservation of your own tradition, but a whole 7 billion human being need this tradition, ahimsa, non-violence and karuna, respect other. Otherwise, you see today's world, too many violence, too many weapon. So if this situation continuously go, I think more suffering. So the only method is concept of ahimsa and karuna. तो मैं यहाँ पर जो आपके करुणा और अहिंसा को एक प्रकार से संरक्षित करने की जो बात कह रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भारतीय लोग अपने लिए, अपने केवल इस देश के जो लोग हैं उन्हीं के लिए करने की आवश्यकता है, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में 7 अरब से ज़्यादा लोग हैं, उन सभी के लिए, जितने भी हमें मनुष्य मात्र जो प्राणी हैं उन सभी के हित के लिए हमें अहिंसा करुणा मैत्री को बढ़ाने की आवश्यकता है, इस संदेश को दुनिया में देने की आवश्यकता है। क्योंकि आज के समय में हम देखते हैं कि हर जगह हिंसा है, औजारों का, हथियारों का बोलबाला है। इन चीज़ों को हमें कम करके अहिंसा करुणा मैत्री को बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि जो धार्मिक सद्भाव और एक दूसरे के प्रति सामंजस्य बन सके। इन ऑर्डर टू
or say they show world ahimsa or karuna. Firstly, within the country, through education, should revive ancient Indian tradition, ahimsa, karuna. तो दुनिया को दिखाने से पहले भारत में आप लोगों को आपकी जो संस्कृति है, जो परंपरा है, अहिंसा करुणा, भारत के लोगों को खुद में अपने आप में डालने की आवश्यकता है, एक उदाहरण बनकर के दुनिया को भी पेश करने की जरूरत है. सो आई बिलीव दिस योर ऑर्गेनाइजेशन आई थिंक सर्टेनली मेकिंग सर्टेन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन regarding preservation of Indian tradition. तो मैं मानता हूँ कि स्वामी जी का ये जो संस्थान है, इस संस्थान के माध्यम से आप निश्चित रूप से करुणा, मैत्री और धार्मिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं. मैं आपकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ. Then, on practical level, now time come. Karuna action for stomach. तो अभी जो है समय आ गया है कि अपने पेट पर करुणा करने की आवश्यकता है, अर्थात भोजन का वक्त है. Although I enjoy that apple, very good. And also, one there's a time for show my teeth. और अभी जब मैंने सेब खा रहा था तो उस समय सेब खा के मैं काफ़ी आनंदित हुआ, काफ़ी अच्छा सेब था. और इसके साथ साथ आप लोगों को मैं अपने दांत भी दिखा रहा था. थैंक यू. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.